नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश। मास खत्म, आज से शुरू हो गए शुभ कार्य। विभिन्न कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मियों और स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। SHO हत्याकांड में 3 SIT का गठन, 10 दिन का दिया टास्क। पूर्व पाक क्रिकेटर ने भारत को लेकर दिया भड़कीला बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश। इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग की ओर से एक और निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से पहले उस चैप्टर से जुड़ी अध्ययन सामग्री बनाएंगे और फिर उसे प्रधानाध्यापक को सौंप देंगे। इसके बाद फिर वे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करेंगे। बता दें कि अध्ययन सामग्री कक्षा 3 से 12 तक के शिक्षक प्रधानाध्यापकों को देंगे। वहीं जिन शिक्षकों के द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि इस संबंध में सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। इस बारे में DEO संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि जो शिक्षक अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं करवाएंगे उनका माना जाएगा कि वे कक्षाएं नहीं लेते हैं और उन पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। मलमास खत्म, आज से शुरू हो गए शुभ कार्य। मलमास की समाप्ति हो चुकी है, ऐसे में आज से शुभ कार्य शुरू हो चुके हैं। बता दें कि मलमास की शुरुआत 18 जुलाई से हुई थी, जो कि 16 अगस्त तक रही। वहीं अब मलमास खत्म होने के बाद ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शादी विवाह के सीजन की शुरुआत नवम्बर महीने से होने वाली है। उन्होंने बताया कि चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहेगी, इसलिए अभी भी शादी विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन कार्य वर्जित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मलमास 3 साल पर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडित मनोज मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब मलमास 2026 में आएगा। बाढ़ से बिहार के 156 गांव प्रभावित, अलर्ट मोड पर प्रशासन। बिहार के 156 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में इन गांवों की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। मालूम हो कि सुपौल के 120 गांव, सहरसा में 6 और कटिहार जिले में 12 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि इस दौरान गंगा व कोशी के जलस्तर में आंशिक कमी आई है, लेकिन दबाव बरकरार है। बीते दिन दोपहर 2 बजे भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर घटकर 32.98 मीटर पर पहुंच गया था, जो कि खतरे के निशान से 33.68 मीटर से फिलहाल 70 सेंटीमीटर दूर है। वहीं नवगछिया सीमा पर स्थित कुर्सेला घाट पर कोसी नदी 3 सेंटीमीटर कम होकर 30.29 मीटर तक पहुंच गया। इस समय कोसी नदी खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर है। कटिहार जिले के प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, महानंदा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। जातिगत गणना के लिए डाटा एंट्री का काम पूरा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आधिकारिक सूत्रों को बताए अनुसार बिहार में जातीय गणना की डाटा एंट्री का काम पूरा हो चुका है। यानी कि जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में प्रगणकों द्वारा एकत्र की गई जानकारियां को बिजाग ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे में अपलोड किए गए इन आंकड़ों को बेल्ट्रॉन के विशेषज्ञों की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में बीते दिन शाम को मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश भी दिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत वर्ष 2023 के जनवरी महीने में हुई थी। वहीं अब इससे जुड़े सारे काम पूरे हो जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा जातिगत गणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया जाएगा। 7 पुलिसकर्मी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपनी वीरता का परिचय देने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि इन सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा समारोह के दौरान अपने कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए वीरता का परिचय दिया गया। मालूम हो कि इन पुलिसकर्मियों को सम्मान के तौर पर CM नीतीश के द्वारा 51,000 रुपए दिए गए हैं। बता दें कि जिन 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है उनमें अजीत कुमार तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज, संप्रति पुलिस उपाधीक्षक यातायात पटना, विकास कुमार पुलिस अवर निरीक्षक विशेष कार्यबल बिहार पटना, जगदानंद कुमार PTC बटा 150 जिला आसूचना इकाई गया, संतोष कुमार JC बटा 184 विशेष कार्यबल बिहार पटना, अजय कुमार सिपाही बटा 413 जिला आसूचना इकाई गया, जूही कुमारी सिपाही 669 वैशाली जिला बल और शांति कुमारी सिपाही बटा 233 वैशाली जिला बल शामिल हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में घट सकते हैं लंच टाइम के 15 मिनट।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए समय सारणी में आंशिक बदलाव करने को लेकर राज्य के सभी जिलों के डीईओ व डीपीओ से मंतव्य मांगा गया है, जिसके अंतर्गत अगर वर्तमान में मध्याह्न भोजन का समय वर्तमान में 60 मिनट का होता है तो उसमें से 15 मिनट की कटौती करके 45 मिनट को करने को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। वहीं इससे बचे 15 मिनट का इस्तेमाल लंच के बाद संचालित 3 कक्षाओं की 5-5 मिनट की अवधि बढ़ाने को किया जाएगा। ट्रक पर लोड 50 लाख की शराब, पुलिस ने किया बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालात इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही है और कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के नारियार स्थित लाइन होटल के समीप मोतीपुर थाना की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक पर लदा लाखों का शराब बरामद किया गया है और साथ ही पुलिस के द्वारा ट्रक के चालक और खलासी को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस दौरान पुलिस के द्वारा ट्रक से करीब 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी मूल्य तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कल सीबीआई की विशेष कोर्ट में रजनी प्रिया की होगी पेशी। इन दिनों सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया सीबीआई की रिमांड पर है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं कल यानी कि 18 अगस्त को रजनी प्रिया सीबीआई की विशेष अदालत में दोबारा पेश होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजनी प्रिया को 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 5 अगस्त को रजनी प्रिया को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष कोर्ट के द्वारा रजनी प्रिया को 21 अगस्त तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वहीं बीते सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा रजनी प्रिया को 4 दिनों के रिमांड के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया था। विवि कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मियों और स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बीते दिन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा राजभवन में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मियों और स्टूडेंट्स की हाजिरी बायोमेट्रिक बनेगी। इसके साथ ही वे सभी विश्वविद्यालय जिनमें स्नातक और स्नातोत्तर स्तर पर परीक्षा के रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए गए हैं, वह 2 माह के अंदर लंबित रिजल्ट जारी करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिटायर हो चुके शिक्षकों और कर्मियों के पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान समय पर कराई जाए और अगर इन भुगतान के लिए राशि की कमी होती है तो उसकी मांग सरकार से की जाए। सहरसा के देवांश को पुलिस अधीक्षक करेंगे सम्मानित। 33वीं बिहार राज्य शूटिंग चैंपियनशिप जो कि सिवान में आयोजित किया गया था, जिसमें सहरसा जिले के वार्ड नंबर 15 निवासी पत्रकार बुद्धिनाथ सिंह उर्फ पप्पन सिंह, माता स्वेता सिंह के पुत्र गौरव देवांश प्रिय ने अपने नाम स्वर्ण पदक किया है। बता दें कि देवांश अब तक राष्ट्रीय स्तर तक की निशानेबाजी प्रतियोगिता में कई स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि सिवान में हुए इस प्रतियोगिता में देवांश असाधारण एथलीटों में से हैं। उन्होंने गर्व से सहरसा राइफल क्लब का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी 50 मीटर पोजीशन स्पर्धा में देवांश प्रिय ने अपनी महारत का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि 50 मीटर और 25 मीटर स्पर्धा में कुल 350 प्रतिभागी थे। मालूम हो कि उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें राइफल क्लब एसोसिएशन के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक सहरसा द्वारा देवांश को सम्मानित किया जाएगा। स्कूलों के शौचालयों को लेकर के पाठक ने जारी किया निर्देश। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा पिछले 3 महीने में लगभग 100 निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर से राज्य के सरकारी स्कूलों में मौजूद शौचालयों को लेकर निर्देश जारी किया है। दरअसल स्कूल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश स्कूलों में शौचालय की स्थिति बेहद ही खराब है और बद से बदतर है। ऐसे में इनमें सुधार लाने को के पाठक के द्वारा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें जिलाधिकारियों को शौचालयों की साफ सफाई को लेकर निर्देश दिया गया और साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर एजेंसी भी तय कर ली गई है। एसीएस के पाठक ने अपने पत्र में जिलाधिकारी को स्पष्ट रूप से खर्च करने को लिखा है और कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत स्वच्छता मद से भी राशि प्राप्त की जा सकती है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास के साथ खड़ी हुई बीजेपी। कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के ऊपर कांग्रेस की ही विधायक प्रतिमा दास के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि वे दलितों से भेदभाव करते हैं। ऐसे में इस मामले पर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर हमला बोला गया है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि वह दलित विरोधी है। जिस कांग्रेस ने बी आर अम्बेडकर को संसद का सदस्य नहीं बनने दिया, उस कांग्रेस पार्टी में कोई महिला दलित विधायक को इंसाफ मिलेगा, ये सूचना ही मूर्ख
रखता है। ये कांग्रेस की साजिश है कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा और उसी के तहत वे साजिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये लोग हमेशा नाटक करते हैं कि हम लोग दलितों के साथ हैं। लालू प्रसाद यादव के मरीन ड्राइव पर जाने पर बोले जीतन राम मांझी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के साथ मरीन ड्राइव पर घूमने गए थे और कुल्फी भी खाया था। वहीं अब इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा लालू यादव पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की ओर से लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने का फैसला लिया गया था और आज वे राजनीति कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव विभाग की भी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जमानत पर छूटने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लालू यादव कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोर्ट इसे देखेगी। लालू प्रसाद यादव जिनकी बात करते रहते हैं वह भाजपा के साथ है। जितना डिंग हाँकना है हाँकते रहिए, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पूर्व पाक क्रिकेटर ने भारत को लेकर दिया भड़कीला बयान। भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। क्रिकेट बाज यूट्यूब चैनल पर लतीफ ने वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा की और साथ ही टीम इंडिया की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन ने कई खिलाड़ियों के साथ प्रयोग किया है और अगर मैं उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करूं तो मध्य और निचले क्रम में कहे तो 4 से 7 तक उन्होंने लगातार बदलावों के साथ किसी भी नए खिलाड़ी को टिकने नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्होंने विराट कोहली को कप्तान बने रहने दिया होता तो भारत समय तक विश्व कप के लिए 100% तैयार होता। लतीफ का मानना है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों से आगामी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में नई रणनीतियों को पेश करने की उम्मीद है। लतीफ की राय है कि भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, मनीष सिंह, गोनर शर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, भान प्रकाश मौर्य, गोविंद चौधरी, सदुल्ला पलवी, मोहम्मद फहीम, रवि राज यादव, बाबूलाल मरांडी, नुनू गोलू कुमार, रविशंकर, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षकों, कर्मियों और स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक हाजिरी होने से आपके अनुसार क्या बदलाव होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।